राम राम जी। यार क्या आवाज आ रही है, आप ये कि वैसी वक्त कट रहे हैं। मैं पता 14-15 दिन से कहाँ गायब था। अरे 15 दिन पहले ना मेरे को बुखार था हो गया था, तो मैंने कहा ये तो कोरोना का सीजन चल रहा भैया, टेस्ट करवा लो। तो टेस्ट कराने गया था हॉस्पिटल, हो गया टेस्ट, वही है रिजल्ट, घर पे फोन करके बता देंगे। पर इन्होंने कैसे कुछ बोला नहीं कि सीधा घर जाओ, ये करो वो करो, जैसे नारा में पिछली बार जब टेस्ट कराया था तब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस ट्रेन क्या, फिर मैं टैक्सी से ही आ गया यार, सही नहीं रहता, हवा चल रही बहुत कैडी। ये सुनते मैंने ऑनलाइन इंडियन स्टोर से अपना सारा खाने का सामान मंगा लिया था। भैया अपनी तैयारी तो पूरी करनी ही है। कोई स्मेल नहीं आ रही। चार पांच दिन हो गए यार, आज भी कोई मसाले की स्मेल नहीं आ रही। हाँ हो ही जाएगा सेटल, फिर सर्दियों में निकले सो। बाहर तो निकल नहीं सकते, अब नहीं बालकनी से खड़े होकर देख लो भाई बाहर की दुनिया कैसी चल रही है। एक दिन मैं भी ठीक होके वापस जाऊंगा इस दुनिया में। हाँ बस ठंड पड़ रही है, बाहर जाके करेंगे क्या, घर ही ठीक है। ये परफ्यूम है यार, ये बहुत सही स्मेल देता था, पर अभी तो कोई स्मेल नहीं आ रही। मीठी चॉकलेट खाओ तब भी कोई टेस्ट नहीं आता। रोज अलग अलग चीजें सूंघता रहता हूँ कि कभी कोई स्मेल तो आ जाए, कोई स्मेल नहीं आ रही। आज भी काटेंगे दिन ऐसे ही। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, चक्कर वक्कर से आ रहे हैं। और कुछ करने का मन सा भी नहीं है, आज भी लोट मारो पूरे दिन। आज देख ले तो स्मेल स्मेल कर दिया है। आज भी नहीं आ रही, आज भी स्मेल स्मेल का कोई सीन नहीं। शरीर टूट सा रहा यार पूरा। हिम्मत करके खाना मैं बना तो सकता हूँ, पर हिम्मत करने का मेरा मन नहीं है। अरे वैसे हाँ मैगी भी पड़ी है मेरे पास, यही मंगाई थी, मैगी खा के देखेंगे, क्या पता शायद टेस्ट आ जाए। अरे यार इसमें मैगी में तो टेस्ट आता था बहुत सही, अब नहीं आ रहा। मन में सोचेंगे बहुत ज़्यादा टेस्ट है तो टेस्ट आएगा, नहीं भी आए तो क्या हुआ, पेट भर जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड में कोशिश करूँगा टेस्ट की। ऐसी टाइम पास मार रहा हूँ, आज भी स्मेल नहीं आ रही। खोल के पूरी बोतल नाक में डाल लो क्या, खाना मोस्टली तो यार मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ इंडियन खाना, पर उस इंडियन खाने में ना जो रेस्टोरेंट है मेरे आसपास के वो सब में वो नान और करी, नान और करी ही मिलती है। वो लाते लाते वो नान ठंडी हो जाती, रबड़ की तरह तोड़ो, इससे अच्छा है खुद ही बना लो। या फिर खैर आज का रूटीन पूरा करेंगे, सूंघेंगे ना, इसमें धनिया पाउडर है या फिर जीरे वाला पाउडर ये नहीं पता। खाना बनाते वक्त मसाले मसाले ऊपर नीचे होते हैं वो तो आदों की, तो मेरे को मुझे तो स्मेल स्मेल आ नहीं रही, तो मसाले ऊपर नीचे बढ़िया होते, नमक मिर्च तेज कुछ पता नहीं चलती, खाते वक्त तो पता नहीं चलती, पर वो निकालते वक्त एग्जैक्ट पता चल जाता है कि यार ये चीज ज्यादा डल गई थी। कढ़ी चावल खाए थे मैंने पहले, अब ये आलू मेथी की सब्जी है, रेडीमेड है, इसे से काम चलाओ।
इतने टेस्टी नमक मिर्च मसाले गिर रहे होंगे ना इसमें। आज तो ठंड लग रही है यार बहुत ज्यादा, आज भी सूंघ के देख लेते हैं कुछ है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जानवरों वानवरों को भी होता होगा क्या कोरोना यार? ऐसे तो कुत्ते तो सूंघ के बताते हैं ना सामने कुतिया है कि कुत्ता है, या फिर जैसे शेर वेर होते हैं जंगल में मूत देते हैं वो तो टेरिटरी पेशाब करके अपनी मार्क करते हैं कि ये मेरा इलाका है मेरा इलाका, और इससे 15-20 किलोमीटर तक कोई दूसरा शेर नहीं आ सकता। अब कोरोना हो जाएगा स्मेल नहीं आएगी तो शेर आपस में टकराएंगे, वो बोलेगा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है कि यार ब्रो मैंने पेशाब कर रखा है मेरी टेरिटरी है, कह रहा सॉरी यार कोरोना हो रहा पता नहीं चला, अब आगे हम 2-4 दिन शिकार कर लेते लड़ मत एक दूसरे का साथ दो। तो घर में पड़े पड़े इतने दिन हो गए, अब ये पता नहीं चल रहा कि हिम्मत नहीं है कुछ करने की या फिर तबीयत ठीक है मन नहीं है कुछ करने का। नेटफ्लिक्स बजाओ। आज तो नान करी से ऑर्डर कर रखे हैं, बनाने का मन नहीं था। इसमें यार ये भसड़े ऐसे ठंडी हो जाती है सूख जाती है बहुत जल्दी, अभी खा लेते हैं बाद में देखी जाएगी। बैठे बैठे खाना मिल रहा है यार वही बहुत बड़ी बात है। बालक खेल रहे हैं बढ़िया। जापान में ना नारियल का वो नहीं मिलता, नारियल पानी ऑनलाइन मंगाया था यार, ये केन में आता नहीं तो फ्रेश नारियल पानी का टेस्ट आता तो मजा आ जाता, पी लिया पर टेस्ट तो इसका भी नहीं आया। जो भी मैं कहना चाहूं आज तो टेस्ट के लिए यार कुछ टेस्टी सा बनाना ही पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। मेरे पास ना ये पड़ी है इडली सांभर वांबर से बनाओ तो उसमें से टेस्ट आता था खूब, वो आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ये इडली है इसमें लिखा हुआ है यार कि 10 मिनट में बन जाएगी इडली, तो 10 मिनट में अगर इडली बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। अरे फिर सांभर भी बनाना पड़ेगा, रेसिपी देखता हूँ फटाफट और खेल देता हूँ मीटर। यार एंटी ने रेसिपी तो बता रही है पर दुनिया भर के बर्तन किस में, बर्तन में ये डाल लो उस बर्तन में ये डाल लो, इतने बर्तन थोड़ी करूंगा यार मैं, गंदे धोने भी खुद ही हैं। आंटी मैं डिसलाइक मार दूंगा वीडियो, कम बर्तन में बनाना सिखाओ। इतना पीली वाली ये इसको उबालना पड़ेगा, डायरेक्ट डाल देता हूँ उसमें धुलती उबलती रहेगी जल्दी हो जाएगा काम। नहीं यार अभी इम्यूनिटी 100% है नहीं तो धो लेता हूँ दाल उसके बाद ही बनाऊंगा। मंटी ने तो कई सारी सब्जी डाली सांभर में, वो कह रही थी कि पहले दाल डाल दो अगर जल्दी बनाना है तो, दाल के साथ ही प्याज टमाटर गाजर बैंगन और जो कई सारी सब्जी बताई थी, पर मेरे पास प्याज टमाटर गाजर है सिर्फ, तो यही काट के डाल देता हूँ फटाफट। प्याज काटने रास्ते से तो आ ही जाते हैं, कट गया। उसने बोला था हल्दी डालो नमक डालो और मस्त उबाल दो, उंगली सी कट गया यार ये प्याज व्याज काटने के चक्कर में। उसने बोला स्वाद अनुसार नमक डाल दो, यार जब मेरे को टेस्ट आता था मुझे तब नहीं पता चलती थी स्वाद अनुसार की, थोड़ा सा ही बच रहा है। अरे नमक तो खत्म हो रहा है लेके आना पड़ेगा, सारे डाल देता हूँ। Add 1 cup mix to 1 cup water और आधा कप sour curd। Steep batter in इडली कुकर में 10 मिनट के रख दो। इडली कुकर तो है नहीं, हाँ कटोरी वटोरी से कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और उस आंटी ने बोला था कि ये सांभर जब उबल जाएगा दाल वाल उसके बाद फिर अलग से तड़का लगाना है, इतने बर्तन धुलवा देते हैं ना ये, और फिर बना लो और फिर उसके बाद फिर से दोबारा बर्तन दो। वैसी कटोरी सी रहती है ना इडली मेकर, तो ये कटोरी है मेरे पास दो,
वो आंटी कहती इसमें हल्का सा तेल लगा लो, यहाँ भी पूरा तेल लगा लो, फिर इसको इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें कटोरी में रख के इसमें ऐसे रख दूंगा मस्त, ऊपर से कवर कर दूंगा, हो जाएगा इडली मेकर। और ढक दो, ये नहीं ये वाला नहीं। इसमें सांभर बन रहा है, ओहो कैसे नहीं आएगा टेस्ट, आज ही देखा मैंने। इतने बर्तन पड़े हुए ना, ये निपटा देता हूँ फटाफट। हार्ड नहीं हुई है यार, ये तो अभी सॉफ्ट सी ही है। आंटी कह रही है तेल में जीरा डाल दो, जीरा है, राई डाल दो, राई नहीं है, सूखी लाल मिर्च डाल दो, सूखी लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता डाल दो, कड़ी पत्ता नहीं है, हींग डाल दो, हींग भी नहीं है, धुआं उठा एकदम से, ये मिर्च का धुआं जो होता है खांसी उठती है, चक्षु खुल गए सारे। ये तड़का इसको डाल देता हूँ इसमें। अभी गर्म है बहुत, इडली वैसी तो बनी नहीं जैसी होती है, पर ये सांभर में मिलके भी तो वैसे घोल के ही खानी होती है तैयार। टेस्ट तो आया ही नहीं यार कुछ खास, पर मन में फील आ रही है कि सही बना होगा। आज भी देख लेते हैं क्या सीन है। तो मैं अरे एक मिनट, हल्की हल्की महक आ रही है। हाँ ये है किचन किंग, मजा आ गया। हाँ ये सारा वो है जीरा पाउडर, मैं इसे धनिया पाउडर समझ के डाल रहा था दवा दब, तभी सुबह रोज की रोज जलन मस्ती थी। अरे महक आ गई, धीरे धीरे बात बनेगी। हाँ परफ्यूम पे से भी आ रही है हल्की हल्की, सूम डालूंगा सारी चीजें आज। अब थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी है ना, तो मैंने मैगी बनाई है मस्त, थोड़ा टेस्ट सा भी आ जाए तो मजा आ जाए। तड़का तुड़का मार के बनाई है एकदम। अब 15 दिन बाद अब तो स्मेल स्मेल सब कुछ आ रही है। हाँ पहले इस परफ्यूम की स्मेल भी नहीं आ रही थी यार, अब तो इसकी भी बढ़िया स्मेल आ रही है, अब खाने वाले का टेस्ट भी आ रहा है। तो उन्होंने फोन करके बोला था कि तुम्हारा दिन खत्म हो चुके हैं, अब तुम घर से बाहर बार निकल सकते हैं, और मेरे घर पे लेटर भी भेज दिया। वो होता है कि अपने ऑफिस में कहीं बाहर जाते तो दिखा सको कहीं जरूरत पड़े कि मेरा कोरोना ठीक हो चुका है, देख लो अब मैं बाहर जा सकता हूँ। और उसके बाद ये भी बोला था कि अब तुम्हारा जब ये काम हो जाए ऑक्सीमीटर का पूरा, वापस से एड्रेस दिया था कि वो सेंटर में पोस्ट कर देना, बाकी और जिन लोगों को जरूरत है अब उनके काम आएगा। तो अब इसको कल मैं पोस्ट कर दूंगा, मेरा कोरोना तो हो गया ठीक। ये 14-15 दिन मैंने कोई काम नहीं करा, मैंने कहा सब आराम से पहले ठीक हो जाते हैं उसके बाद ही करेंगे सारा काम। अब तो वही अपना काम धंधे में वापस लगेंगे, और मेरा स्कूल तो चल ही रहा है, तो वो तो ऑनलाइन है, खैर यहाँ से सारी मीटिंग सब कुछ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तुम्हारे सामने कितने भी अच्छे से अच्छा टेस्टी खाना रखा हो, अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें टेस्ट नहीं आ रहा और तुम्हारी स्मेल नहीं आ रही तुम्हें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो फिर कितना ही अच्छा हो जाए सब कुछ वो बेकार ही लगता है। वही यार अपना ध्यान रखो, और जितना हो सके कोरोना से बचो, अगर हो भी जाता है इन केस खुदा ना खास्ता, तो अपना खाना पीना ठीक से रखो, इम्यूनिटी पे ध्यान दो, हल्की बहुत हो सके तो एक्सरसाइज करते रहो, ठीक हो ही जाएगा। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, भगवान कसम कर लीजिए तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।